सिर्फ एक शक की वजह से 5 साल मोहब्बत नफरत में बदल गई। और अफसोस की बात यह है, हम हमेशा के लिए अलग हो गए। मुझे उस पर हमेशा शक रहता था कि वो किसी और से भी बातें करती है, जिसकी वजह से मैं उससे हर वक्त लड़ता रहता था और कई कई दिन तक उससे बात नहीं करता था। वो रोती रहती थी, मुझसे माफियां मांगती रहती थी, वो मुझे कसमें देती थी, मुझे वास्ते देती थी, लेकिन मैं दिली तौर पर इतना जालिम हो चुका था कि मुझे उसकी कसमों पर भी यकीन नहीं था। मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता था। मैं उसे हर वक्त गलत साबित करने में लगा रहता था, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि हकीकत में तो मैं खुद ही गलत हूं, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने तक मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एक दिन हम में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद मैंने वो किया जो आज के दौर में हर कोई अमूमन करता है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और मैंने अपनी कजन से मंगनी कर ली। उसे जब इस बात का पता चला तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। वो तो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती थी, इस कदर इश्क करती थी कि उस लड़की से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। मेरी वजह से उस बेचारे की जान चली गई। आज जब मैं सोचता हूँ तो अपने आप को ही कसूरवार ठहराता हूँ कि मैं ही उसी का कातिल हूँ, क्योंकि मैंने उसे सहनी टेंशन दे देकर उसे एक सहनी मरीज बनाकर रख दिया था। वो पागल हो जाती थी मुझे समझाते हुए, लेकिन एक मैं जालिम कभी भी उसकी बात नहीं समझ पाया। और आज जब वो मर गई है तो मुझे इस बात का एहसास दिला गई है कि मैं कितना गलत था। अब सारी जिंदगी सिर्फ इसी बात का पछतावा रहेगा कि काश मैं उससे लड़ाई ना करता, काश मैं उसकी वो सारी बातें मान लेता जो वो मुझे कहा करती थी। और अगर उस टाइम पर वैसा हो जाता तो आज वो मेरे दरमियान जिंदा होती।